हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने मोबाइल पोको M6 5G मोबाइल में दोस्तों आप किसी भी ऐप पे लॉक लगाते हैं और दोस्तों अगर चाहते हैं उस पे फिंगरप्रिंट को भी ऐड करना तो कैसे है? दोस्तों ऐप लॉक में आप फिंगरप्रिंट ऐड कर पाएंगे, यानी दोस्तों आप अपने मोबाइल में किसी भी एप्लीकेशन को लॉक करते हैं उस पे फिंगरप्रिंट ऐड करेंगे, और जब भी दोस्तों आप अपने मोबाइल में वो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको फिंगरप्रिंट टच करना पड़ेगा फिंगर सेंसर पे। तो कैसे दोस्तों आप अपने मोबाइल में ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक सेट करेंगे, उसके लिए दोस्तों आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कीजिए। सेटिंग्स को ओपन करते ही थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको ऐप्स पे क्लिक करना है, और जैसे ही ऐप्स पे क्लिक करें यहाँ पे ऐप लॉक में जाना है। जैसे ही ऐप लॉक में जाते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी पहले से एक प्राइवेसी लॉक बनाया रहेगा वो आपको डालना, अगर दोस्तों आपने नहीं बनाया रहेगा तो आपको एक प्राइवेसी लॉक सेट करना है। यहाँ पर टर्न ऑन का ऑप्शन आएगा, आपको टर्न ऑन पे क्लिक करके यहाँ से आप प्राइवेसी लॉक सेट कर सकते हैं। दोस्तों तो मैंने यहाँ से प्राइवेसी लॉक डाला जो बनाया था वो डाल देता हूँ, और जैसे डाल देता हूँ यहाँ पे टर्न ऑन फिंगरप्रिंट अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से भी आप अपने मोबाइल में वेरीफाई करा सकते हैं। नहीं दोस्तों यहाँ से इसको कैंसिल कर देना है, और यूज योर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आपको कर लेना है वेरीफाई। इस पर क्लिक करेंगे तो भी आप वेरीफाई कर लेंगे और आपके मोबाइल में सक्सेसफुली फिंगरप्रिंट ऐड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं गैलरी को मैंने यहाँ से लॉक कर दिया है, और गैलरी पे फिंगरप्रिंट लॉक सेट हुआ है नहीं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बैक आ जाऊंगा और यहाँ पे ये रहा गैलरी, इसको मैं ओपन करता हूँ। देखते हैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट भी हमारा ऐड हो चुका है, और फिंगर सेंसर फिंगर को टच करेंगे हमारा गैलरी जो है वो ओपन हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी अपने मोबाइल में किसी भी ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक सेट कर पाएंगे। तो वीडियो सुनने के लिए अपनी वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में।